हल्के से ऐसे हो गया, मेरा आंखों में भी लग सकता था तो मैं अंधा भी हो सकती थी। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ, पेट खराब है, कल से थोड़ा बुखार है और सर फट रहा है, बहुत दर्द है, मेडिसिन चल रहा है। लेकिन जो ऐसे फेंका पत्थर मुझ पे, उनके घर पे भी माँ बहन बीवी सब लोग हैं। को नमस्कार प्रणाम। मैं मेरा भारत महान के सेट पे हूँ। मैं यहाँ पे शूटिंग पे आई हूँ। परसों मेरा शूटिंग चल रहा था और शूटिंग चलने के टाइम पे मतलब बहुत भीड़ में शूटिंग चल रहा था। मेरे भारत महान में स्टारकास्ट पवन जी रवि जी सभी लोग हैं। हम लोगों का सीन चल रहा था, ख़त्म हुआ, एक शॉट बचा था। उसी टाइम अचानक यहाँ पे बहुत ज़ोर से कुछ चीज़ें आया, बहुत दर्द हो रहा था, मेरा आँखें बंद हो गया ऑटोमेटिकली। मुझे ले जाके पास के एक चेयर में बैठाया, मैं हाथ दिया तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी। अचानक से मानिए कि आपको ज़ख्म लगता है तो बहुत दर्द होता है, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत टूट गई थी। हॉस्पिटल में ले गया मुझे, बैंडेज कर दिया, जो था इंजेक्शन सब कुछ दिया, ट्रीटमेंट चला। मैं होटल में आई हूँ, तबीयत ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। सर पे बहुत गहरी चोट तो नहीं लगी है, वो स्टिच नहीं हुआ है, बट दर्द बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा सा मुझे बाद में पता चला, मैंने सोचा था शूटिंग पे काटा स्टैंड या लाइट स्टैंड कुछ गिरा है, बट नहीं, भीड़ में से ही कोई पत्थर मारा था। कौन किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं है। तबीयत खराब है, कल से थोड़ा बुखार है और सर फट रहा है, बहुत दर्द है, मेडिसिन चल रहा है। सभी लोग मुझे कॉल कर रहा है, मैं सबका कॉल से उठा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरा बॉय के पास मेरा फ़ोन है, हेमंत के पास फ़ोन रखा हुआ है। आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिए, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं सुस्त होके आप सबसे बातें करूँगी। जो लोग मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, सभी लोग फैंस फ्रेंड्स सबको मेरे तरफ से थैंक यू। मैं अभी जौनपुर में ही हूँ, बट मैं बोलूँगी आज मैं कोलकाता शायद जाने वाली हूँ, जाना है कोलकाता। यहाँ से हालत में तो मैं शूटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कोलकाता डेफिनेटली जाना है। बट मैं बहुत दुखी हो गई हूँ क्योंकि इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, कभी ऐसे नुकसान मुझे नहीं हुआ, चोट नहीं पहुँचा, लेकिन क्यों ऐसे किया, क्यों किया, कौन किया। मैं खाली ये बोलूँगी कि आज हर न्यूज़पेपर में न्यूज़ जा रहा है, मीडिया वाले न्यूज़
ले रहे, इंटरव्यू ले रहे। मैं खाली सबको ये बोलूँगी कि अचानक ये हुआ है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। लेकिन जो ऐसे फेंका पत्थर मुझ पे, उनके घर पे भी माँ, बहन, बीवी सब लोग हैं। तो जब मैं किसी और की, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, ऐसा करके अगर जो भी किए हो, डेफिनेटली आपको एक दिन आपके ये शायद आपको पछतावा हुआ हो रहा है कि मैंने क्यों किया। लेकिन आपने बहुत गलत किए हो, आइंदा कभी ऐसा मत करना। क्योंकि आज मुझे ऐसे लग गया, सेट पे किसी को भी लग सकता था, कोई भी आर्टिस्ट को, कोई भी टेक्नीशियन को लग सकता था। तो हम लोग मूवी करते हैं, शूटिंग करते हैं, आप लोग भीड़ करो, कोई मना नहीं कर रहा है, शूटिंग देखो, लेकिन ऐसे मत करो ताकि हम लोगों का दिल टूट जाए। मैं तो डर रही हूँ कि मैं फिर जाके शूट कैसे कर पाऊँगी, मैं बहुत डर गई हूँ, बहुत डर गई हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट के साथ, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी किसी के साथ भी आप लोग ऐसे ऐसे मत कीजिए। इंसानियत नाम का चीज़ ही फिर ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। आप लोगों के लिए आर्टिस्ट हम लोग शूटिंग करते हैं, कितना धूप में, बारिश में, हर जगह पे, कितने सारा टफ़ टफ़ कंडीशंस में हम लोग शूटिंग करते हैं खाली आप लोगों के लिए। आप लोग से ही अगर हम लोगों को डर लगेगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे, बताइए। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ आप लोग ऐसे आइंदा मत कीजिए। मेरा मानिए कि बहुत हल्के से ऐसे हो गया, मेरा आँखों में भी लग सकता था, तो मैं अंधा भी हो सकती थी। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, बाउंसर सभी सब के लिए, ताकि एकदम सेफ सिक्योरिटी हो। ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता था। एनीवेज मेरा तबीयत ख़राब है और मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहती। जो होना था हो गया, लेकिन जो ऐसे किया है गलत किए हो। बस आप लोग आगे से किसी को भी मत कीजिए ऐसे। बस ये बोलने के लिए मैं आई थी, तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ जा रहा है। लेकिन मैंने इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहती। पुलिस प्रोटेक्शन तो था, बाउंसर्स था, सभी था, लेकिन फिर भी ऐसे अचानक हो गया, सभी टेंस्ड है। और मैं पिछले 2 दिन से ऐसी हालत में हूँ, घर से दूर हूँ, कोलकाता से दूर हूँ, माँ के पास से दूर हूँ। सच में मैं मतलब बहुत दुखी हूँ। मैं सच में रूम से निकल के रास्ते में जाने तक मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसे होगा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने। आगे से प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कीजिए किसी के साथ भी। आप लोगों को जैसे हम लोग भगवान मानते हैं,
हम लोग आप लोगों के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ करते हैं, काम करते हैं। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए आगे से। नमस्ते, प्रणाम, लव यू।